बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब जी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे जी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। और अभी सुबह का टाइम है, मैं उठ जाती होती हूँ, 6 बजे मैं उठ जाती होती हूँ, अजानें हो रही होती हैं, तो नमाज और कुरान मजीद के बाद जो है मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि चाय बनाना, क्योंकि तब तक आँख नहीं मेरी खुलेगी, काम का कोई जहन नहीं बनेगा जब तक एक कप चाय नहीं पियेंगे। सबसे पहले मैं बना लूँगी चाय, और उसके बाद जो है देखूँगी कि नाश्ते में क्या बनाना है। अम्मी को कुछ खाना होगा या रुमान को कुछ खाना होगा तो वो बताएंगे, और जो वो बताएंगे फिर उनका जो है वो नाश्ता मैं बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल एक कप चाय पी लूँ तो फिर थोड़ा जहन खुले और काम स्टार्ट हो। मुझसे ना सुबह चाय या दूध पता नहीं, सोचती रहती हूँ जब मैं चूल्हे के पास खड़ी हूँ ना, तो फिर मेरे जहन में कुछ ना कुछ चलता है, तो मैं फिर या तो चाय मुझसे गिर जाती है या फिर दूध गिर जाता है। तो खैर वो मैं चूल्हा जब साफ़ करूँगी तो सारी बातें कर ही दूँगी। तो सबसे पहले जो है नाश्ते के बर्तन, उन्हें सबसे पहले धो लूँगी क्योंकि इस तरह पड़े पड़े रहेंगे। और फ्रिज में एक दफ़ा मैं चक्कर लगा लेती हूँ कि अगर कोई छोटा मोटा पुराना सालन है, या होता है कि एमरजेंसी में हम बड़े बर्तन रख देते हैं या बड़े बड़े एक चीज़ छोटे छोटे बर्तनों में पड़ी होती है, तो वो चीज़ ना फ्रिज को भर देती है, तो पहले उसमें से निकालूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी, कपड़े देख लेती हूँ अगर धोने वाले हैं, काफ़ी हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं तो उन्हें भी फटाफट से पहले मैं भिगो देती हूँ। तो जो फातिमा के कपड़े होते हैं उन पे काफ़ी निशान होते हैं, वो बहुत गंदे होते हैं, तो पहले सबसे पहले उन्हें भिगो देती हूँ बाद में। तो अच्छा, मैं काम कर रही थी, स्टार्ट कर रही थी, लेकिन एक तरह से मेरे मतलब एक और काम आ गया कि हमारे हमसाए में जो है वो बीमार थी, तो उन्होंने बच्चे को भेजा है कि 9-10 पराठे बना के दे दें, आज मेरी तबीयत ख़राब है तो काइंडली आज मेरा ये काम कर दें। तो मैंने फिर कपड़े जो भिगोने वाले थे वो फटाफट से भिगो दी हैं, ताकि उसमें थोड़ी सी जो मैल कुचैल है वो साफ हो जाए, होने लग जाए। तो क्योंकि जब मैल कुचैल थोड़ी वो हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो फिर उसे जल्दी से सर्फ मलने से ना वो कपड़ा फौरन फटाफट से निकल आता है। तो मैंने जो है आटा गूंध के और उनके लिए 10 एक पराठे जो है ना वो तैयार कर दिए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये एक सवाब का काम था, तो इसमें मैं मना नहीं कर सकी, तो कोई कोई नहीं, हालांकि इससे काम में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अगर इस तरह हम किसी के काम आ जाएं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो मैं अभी बनाऊंगी फटाफट उनके लिए 10 पराठे। यहाँ पे मैंने उनके लिए पराठे तो कर दिए हैं तैयार, और अम्मी जो है वो सब्ज़ी लेके आ गई थी। तो सब्ज़ी जब हम लेते हैं तो 2-3 दिन की इकट्ठी ले लेते हैं, और उन्हें अम्मी कभी अम्मी साफ करके फ्रिज में रख देती हैं या कभी मैं रख देती हूँ। तो अभी जो है अम्मी ने चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है, तो जो दूसरी सब्ज़ी है वो अम्मी साफ़ करेंगी और मैं साथ में बर्तन भी धो लूँगी। पराठे मैंने उन्हें बना के दे दिए तो वो ले गए हैं। और अभी जो है आज क्या बनाने का इरादा है? आज बनाने का इरादा है, गोभी भी आई हुई थी और पालक भी आई हुई थी, तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट करूँगी कि आज क्या बनाती हूँ खाने में। तो कपड़े जो है ना वो जो भिगोए थे मैंने, उनकी मैल कुचैल थोड़ी सी उभर आई है, और ज़रा सा मलने से, गर्म पानी डालने से बिल्कुल साफ़ हो गए, क्लियर हो गए। अम्मी ने गोभी भी काटी थी और पालक भी काट के मुझे धो के दे दी है। अब अगला काम मेरा है कि मैं इनमें से क्या बनाती हूँ, तो अभी देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। कपड़े सारे मैंने धो के, सारे काम तो मैंने कर लिए, लेकिन खाने में मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पहले कभी भी नहीं बनाया, सिर्फ सुना है, और मुझे बड़ा शौक था कि इसका टेस्ट कैसा होगा,
तो ट्राई करना चाहिए। वैसे मैंने ट्राई भी कभी नहीं किया, झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैंने ट्राई भी कभी नहीं किया। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे चिली पनीर की उन्होंने मुझे रेसिपी भेजी है, तो वो मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह जरूर। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने थोड़ा सा पनीर बनाया है, मैंने कहा मैं चेक करती हूँ क्या, अगर मुझसे ठीक बनता है तो मैं इसकी रेसिपी ट्राई करती रहूंगी, अगर ठीक नहीं बनता तो फिर भी ट्राई करूंगी, कभी ना कभी तो ठीक बन ही जाएगा ना। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर नाकाम होंगे, एक दफा होंगे, दो दफा होंगे, फिर भी कामयाब तो होंगे ही ना। तो जो है ना, अभी मैं वो कर रही हूँ ट्राई, और दूध वगैरह मैंने उबाल लिए, सारे घर का काम कर लिया, पराठे मैंने बना के दे दिए हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो वैसे मेरा दिल उस टाइम कर रहा था कि उस टाइम काम में थी, तो काम स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ पराठे नहीं देने चाहिए थे, मुझे कुछ और भी साथ में देना चाहिए था। लेकिन जब पराठे उनके मतलब लेके चले गए बच्चे, तो मुझे एहसास हुआ, फिर अब मैं क्या कर सकती थी, उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था। तो अभी जो है मैं बनाती हूँ पालक पनीर, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ देती हूँ। पालक मैंने काफी सारी मंगाई थी, इसको मैंने ना बॉइल करके रख दिया है, तो ये थोड़ी सी बना लूंगी, थोड़ी सी पड़ी रहेगी और फिर बाद में बना लूंगी, थोड़ी सी ट्राई करती हूँ, अभी खाने का टाइम है तो थोड़ी सी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे मुझसे ना कैसी बनती है, तो अभी देखते हैं। अच्छा, तो काफी सारे लोगों ने ना मेरी पिछली वीडियो में पूछा है कि सुहांजने को कैसे यूज करते हैं, मेरी जान सुहांजने को कैसे यूज करते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ उन्होंने मुझे बताया है, क्योंकि मेरी अम्मी भी शुगर पेशेंट है, तो अम्मी मेरी जो है वो देसी टोट के करती हैं, जिनकी वजह से उनका शुगर कंट्रोल रहता है। तो ये उन्होंने मुझे बताया था कि आपने मैंने सुहांजने को आप तो आप पूछ रहे थे कि धोने का तरीका बता दें, सिर्फ मैंने इसे सुहांजने के पत्ते लिए हैं, इनको अच्छे से टब में डाल के रख दिए थोड़ी देर, मिट्टी जो है वो अच्छे से जो है ना उसकी उबला दी, क्योंकि पत्ते होते हैं, पत्तों पे मिट्टी अक्सर चिपकी रहती है, मतलब ऐसे धोने से भी नहीं जाती, तो वो आप कर लें, उसके बाद जो है वो मिट्टी निकल जाएगी, उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा मल के ना, तो वो निकाल के तो आप उनको ना चारपाई पे कोई भी कपड़ा बिछा के साफ, कोई दुपट्टा लोन का वो उसे डाल के, तो वो डाल दें, तो उसके बाद जो है उसके ऊपर पत्ते डाल दें, पानी सारा निचड़ जाएगा, ऐसे ऐसे ड्राई होने लग जाएंगे, आप इनको हाथों से मस लेंगे तो ये बिल्कुल क्रश होने लग जाएंगे, और फिर सुबह आप इसको ना सुबह चम्मच, एक चम्मच पिसी इनको ना आप मतलब किसी भी चीज के साथ, चाय के साथ या पानी के साथ, इस चीज के साथ भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने उस दिन टिकड़े बनाए थे, देखे मेरी टिकड़े कितने सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल अच्छे बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, कच्चे बिल्कुल ही नहीं है, देखे। अभी मैं बनाऊंगी पालक, और पालक पनीर में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का ऑयल लिया है, और उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से प्याज, और थोड़ा सा डाला है मैंने लहसुन अदरक, और हरी मिर्ची मैंने काफ़ी सारी डाली हैं, और पालक को उबलते टाइम भी मैंने डाली थी, क्योंकि पालक या साग में मैं हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैंने डाला है नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसमें मैं डालूंगी अभी पालक, और पालक डाल के मैं थोड़ा सा इसे मैं डालूंगी पानी, ताकि अच्छे से ये मैश हो। इसको पानी डाल के थोड़ा सा मैश होने के लिए, मिक्स होने के लिए, ताकि मसाले जो हैं, नमक मिर्च जो हैं और पालक जो है वो काफ़ी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं, और फिर इन्हें मैं साइड पे कर दूंगी। उसके बाद जो मैंने बनाई है पनीर, उसको मैं खाती हूँ कि वो पहली बार मैंने बनाई है वो कैसी बनी है। तो उसको जो है मैंने कपड़े में बांध के उसे उस पर थोड़ा सा हैवी वेट रख के रख साइड पे कर दिया था, तो वह बिल्कुल जम गई थी, लेकिन थोड़ी सी बस थी साइड से कि वो खुरदरी रह गई थी, लेकिन बाकी अच्छे से सेट हो गई थी। तो अभी मैं इसे अलग से ऑयल, वैसे तो मसाले में मैं भी इसे भून सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है
तो हो सकता है ये पिघल जाए या टूट जाए या बिखर जाए। तो मैं फ़िलहाल इसकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि थोड़े से इसमें क्यूब्स हों ताकि देखने में मेरी पालक पनीर की शक्ल अच्छी आए। तो मैंने फिर इसे अलग से नमक मिर्च में थोड़ा सा ताकि इसका फीकापन दूर हो जाए और इसका अंदर का जो पानी है वो भी सोख हो जाए, तो वो फिर मेरी पालक पनीर हो गई। अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं तैयार हो के, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये किचन में थी, अभी कहाँ जा रही है। अभी मैं जा रही हूँ, हमारी एक फ्रेंड आई है यूके से, उनके अबू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो वो फिर उनके लिए आई हुई थी पाकिस्तान, यूके से आई थी, और उन्होंने फिर हमें अपने मतलब जहाँ पे वो रह रही थी तो वहाँ पे बुलाया था, तो हम वहाँ पे आज उन्हें मिलने के लिए जाएंगे। वो हमारे घर से थोड़े से ही मतलब दूर थी, और मैंने और मेरी सिस्टर ने असल में बाज़ार भी जाना था, तो हम निकल ही रहे थे कि उनकी कॉल आ गई, और फिर चले हमने सोचा कि उन्हें अपने घर पे इनवाइट भी करेंगे और उनसे मिल भी लेते हैं। रास्ते में हमने उनके लिए लिए थे फूल, और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे वो उनका स्टे है, जहाँ पे वो रह रही हैं। उनकी अबू की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से घर में कुछ कोरोना वगैरह की वजह से वो मतलब थोड़ा डर रही थी, और वो अपने घर भी उन्होंने स्टे नहीं किया था, तो यहाँ पे वो रह रही थी। हम फिर अभी इन्हें मिलने आए थे, और यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ MGM मुल्तान में, तो यहाँ पे मैं सब मतलब देखा तो है लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गई, कभी भी अंदर नहीं, यहाँ पे मैं पहली बार ही अंदर आई हूँ। तो फिर जब हमने जाके रिसेप्शन उनका नाम बताया, उन्होंने फिर हमें थोड़ी देर यहाँ बैठने के लिए बोला, हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और बाद में फिर हम ऊपर चले गए, उनका कमरा था ऊपर। यहाँ पे हम आए और इनसे मिले, फर्स्ट टाइम हम इनसे मिले, इनसे मिल के हमें बहुत खुशी हुई, और बहुत अच्छी तबीयत की, बहुत मिलनसार सादा तबीयत की थी, और फिर इन्होंने ज़बरदस्ती खाने पे हमें रोका, खाना मंगवा लिया यहीं पे ही। तो कोरोना की वजह से काफ़ी एहतियात थी इधर, तो यहीं पे हम उनसे मिले। आज का व्लॉग मेरा यहीं, इंशाअल्लाह जी जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।